ऑर्गो ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मासिक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में कंपनी के लिए अच्छा काम करने वाले पदाधिकारी और सदस्यों का सम्मान सत्कार कंपनी के एमडी कमलेश जोड़े और एमडी ठाकरे इनके हाथों किया गया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महाराष्ट्र और विदर्भ से बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। नागपुर से पेश है संवाददाता संजय मिरेन की ये रिपोर्ट, आइए देखते हैं। TSO RGO ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मासिक सभा का आयोजन 24 अप्रैल 2022 रविवार को विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन सीताबर्डी नागपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कंपनी के एमडी कमलेश झूड़ी, सूर्यभान ठाकरे, मार्केटिंग डायरेक्टर राहुल परवतकर, प्रफुल्ल सोनटक्के, राजेश नेमजे, मनीष घोड़े तथा कंपनी के सभी पदाधिकारी और सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कंपनी के नए कार्य क्षेत्र TS लैंड डेवलपर्स का उद्घाटन सचिन घोड़मारे, पंकज घोड़मारे, रामूजी मुंडे इनके शुभातु किया गया। इस कार्यक्रम में कंपनी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों और सदस्यों का सम्मान व सत्कार किया गया। भविष्य में कंपनी के होने वाले कार्य व्यवसाय बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन तत्वों का विस्तृत मार्गदर्शन किया गया। वर्तमान में जिन 5 क्षेत्रों के जैविक खेती, आयुर्वेदिक औषधि, पशु पूरक आहार, डेली नीड्स प्रोडक्ट और रियल एस्टेट में कार्य शुरू है, उनके विस्तार के लिए कंपनी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में नए डीलर्स की नियुक्ति की घोषणा की। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कंपनी ने सभी पदाधिकारियों और सदस्य का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर TS एग्रो ऑर्गेनिक कंपनी के एमडी कमलेश झोड़े और ठाकरे इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी है। बाइट कमलेश झोड़े ठाकरे, किसानों के लिए बनाए गए खेती प्रोडक्ट और देश के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हेल्थ प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन है, ऐसा सभा में उपस्थित लोगों को सराहना करते हुए कंपनी के कामकाज को काफी पसंद किया गया है। नमस्कार, मैं TSR को ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बात कर रहा हूँ। जो उस दिन 24 अप्रैल 2022 को हमने जो लोगों ने अच्छा काम किया है ऑर्गेनिक के बारे में, उनको पुरस्कार देना था, क्योंकि हमारे पास बेरोजगार लोगों को काम देने का एक TSR को का एक माध्यम है, और वो माध्यम से 15 साल से हम लोगों को खेती मालक को ऑर्गेनिक करने के लिए एक चांस दे रहे हैं, और आज 15 साल से हम लोगों को ऑर्गेनिक कैसा करना पड़ता है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो जिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनका एक पुरस्कार करना था, जो किसान लोगों को उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, ऐसे लोगों को हमने कोर टीम एक 100 लोगों की थी, उनका सत्कार किया जाए। धन्यवाद। सर, ये बता कि जिस तरह से उस दिन जो प्रोग्राम हुआ TSR का, वो लेने के पीछे का उद्देश्य क्या था? नमस्कार, TSR ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की जो मीटिंग 24 अप्रैल 2022 को विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन हॉल में आयोजित की थी, उसका मुख्य उद्देश्य था हमारी जो कोर टीम है, हमारे जो लीडर्स है, उनको एकत्रित करके नए बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी देना, हमारे जो नए सेक्टर्स उसमें ऐड हुए हैं हमारे बिजनेस की कैटेगरी में, रियल इस्टेट हमने ऐड किया है, डेली नीड्स हमने ऐड किया है, तो उसकी वजह से हमारा जो बिजनेस प्लान अपग्रेड हुआ है, उस अपग्रेडेड बिजनेस प्लान की लोगों को जानकारी देना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। नागपुर से संजय मिरे, BCN न्यूज़।